हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फुटिंग का BVS कैसे निकालते हैं, मैन्युअली या फिर इस एक्सेल शीट के थ्रू जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैन्युअली निकालना भी बताया था और एक्सेल शीट के थ्रू भी निकालना बताया था। और इस एक्सेल शीट को कैसे बनाना है इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और जिन लोगों को भी ये एक्सेल शीट चाहिए जिसमें फुटिंग का BVS ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, उसका कटिंग लेंथ और नंबर ऑफ बार, तो वो मेरे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आज मैं आप लोग कॉलम का BVS के बारे में बताऊंगा कि कॉलम का BVS कैसे निकालते हैं, या फिर किसी ने आपको बोला कि पर्टिकुलर बिल्डिंग में कितना स्टील लगना है कॉलम में, तो कॉलम में स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप किसी भी स्ट्रक्चर का बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हमारा पूरे कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है इसके बारे में जान ले। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो लिखा हुआ फुटिंग का डेप्थ कितना है, ठीक है। उसके बाद फुटिंग में स्टील कितने mm का लग रहा है, 12 mm का स्टील लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड आपका कॉलम कितना गया है, 1.7 मीटर गया है। बीम की डेप्थ कितनी है, बीम की डेप्थ अपनी है 0.3 मीटर, ठीक है, मतलब कि 300 mm, ठीक है। और ये जो आप 3 मीटर देख रहे हैं ये क्या है, हमारा कॉलम का हाइट, मतलब कि फ्लोर का हाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है हमारा रूफ बीम, तो रूफ बीम का भी थिकनेस कितना है, हमारा रूफ बीम का जो डेप्थ है वो है 0.3। उसके बाद ये जो आप 500 का देख रहे हो टॉप में, ये हमारा है पैरापिट वॉल, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब कॉलम में कितने स्टील हैं, तो कॉलम में देखिए आप इस सेक्शन को अगर देखेंगे तो कॉलम में हमारा 6 नॉस है, कितने के, 12 mm डाया के, 6 सरिये हैं, और कॉलम का जो साइज़ है वो 200x300 का है। तो चलिए अब इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं, एक बार का हम निकालेंगे। और फिर एक बार का अगर निकाल लिए तो एक कॉलम में कितने बार है उससे मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा कॉलम का स्टील निकल जाएगा। हमें जितने भी गिवन डाटा है ना वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, फुटिंग का डेप्थ दिया हुआ है, कवर कितना है फुटिंग में, कॉलम में उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बीम का डेप्थ कितना है, अंडरग्राउंड मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बीम का, प्लिंथ बीम से जो नीचे का पेडिस्टल है उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर दिया हुआ है। फ्लोर टू फ्लोर की हाइट मतलब कि ये जब हम ये जो हमारा प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के टॉप से लेके रूफ बीम के बॉटम तक का हाइट कितना है वो लिखा हुआ है। पैरापेट की हाइट कितनी है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई ड्राइंग से। अब हम निकालते हैं एक स्टील का कटिंग लेंथ। किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आपको BVS बनाना है या कटिंग लेंथ निकालना है तो उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता है, कॉलम का सबसे ईजी होता है क्योंकि वो थ्रू आउट फुटिंग से लेके टॉप फ्लोर तक जाता है, तो उसमें हमको लेंथ टोटल काउंट करने के बाद थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा कुछ जाते हैं तो वो सब ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो इसमें क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूँ। सबसे पहले फुटिंग का डेप्थ कितना है, एम बार और डी बार मतलब कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है जो कि फुटिंग में लग रहा है। अब इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको अभी समझाऊँगा। और इसी में हम माइनस करेंगे क्या अपना कवर, ठीक है। उसके बाद हम प्लस करेंगे एल लेंथ। अब एल लेंथ क्या होता है, अगर आप ड्राइंग को थोड़ा सा नज़दीक से देखें इस वाले पोर्शन को, ठीक है, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टील ऐसे स्ट्रेट आने के बाद ऐसे बैंड हुआ है, ठीक है। ये अपना पूरे 6 के 6 स्टील ऐसे बैंड हुए हैं, तो इसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं फुटिंग का, या फिर आप एल लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्लस करेंगे इसमें अंडरग्राउंड कॉलम मतलब कि ग्राउंड के अंदर कितना कॉलम है उसका वैल्यू, जो कि 1.7 है। नंबर ऑफ बीम कितने आ रहे हैं उस चीज़ को हम प्लस करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लोर कितने आ रहे हैं, पैरापिट की हाइट कितनी है, डेवलपमेंट लेंथ कितना है, लैपिंग लेंथ कितना आएगा, और बैंड कितना माइनस करेंगे। आप ये ओवरऑल जो वैल्यू देख रहे हैं ये सब वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी ऊपर वैल्यू है आप वो पुट कर दीजिए, ठीक है। 300 माइनस 50 क्या है, माइनस 50 हमारा कवर है। माइनस 12 और माइनस 12 मतलब कि एम बार और डी बार क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप इस ड्राइंग में देखिए फुटिंग की डेप्थ कितनी हमारी 300 थी, ठीक है, जिसमें से ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इतना, ये क्या है हमारा कवर, तो कवर हमने कितना 50 माइनस कर लिया। उसके बाद ये जो रेड वाला बार देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी है, मतलब इसका डाया कितना है, वो है हमारा 12 mm, तो इसलिए हमारा 12 mm वहाँ से माइनस हुआ। और ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं इस ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने mm का है, वो भी हमारा 12 mm का डाया है, ठीक है। तो ये 50 माइनस 12 माइनस 12 क्योंकि कॉलम का जो स्टील आएगा वो हमारे इन बार के ऊपर पुट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। कॉलम ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे नहीं दिया जाता है, ऊपर ही दिया जाता है पंचिंग शेयर से बचने के लिए, ठीक है। करते हैं क्या है, एल लेंथ। अब एल लेंथ और यूजी इसको मैंने एक साथ कर लिया। एल लेंथ क्या है हमारा 300,
ठीक है, ये हमारा जितना कितना है, ये 300 है, ये ड्राइंग में लिखा भी रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन भी है, ये एल जो कितना है हमारा 300 है, ठीक है। तो ये हमने 300 यहाँ पर प्लस कर लिया, ठीक है। अंडरग्राउंड पेडिस्टल कितना गया हमारा 1.7, तो 1.7 यहाँ कर लिया। मैंने सभी डायमेंशन को एमएम में कर रहा हूँ, क्योंकि एमएम में करने में बेनिफिट क्या होता है कि जो छोटे बहुत नेग्लेजिबल जो पॉइंट होते हैं ना, वो काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या प्लस करना है, इसके बाद हमको प्लस करना है नंबर ऑफ बीम। नंबर ऑफ बीम कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा प्लिंथ बीम आ रहा है, एक आ रहा है हमारा रूफ बीम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया नंबर ऑफ बीम, और एक बीम का डेप्थ कितना है, तो देखिए यहाँ पर प्लिंथ बीम का भी डेप्थ हमारा 300 है और रूफ बीम का भी डेप्थ 300 mm है, 2 × 300 कर दिया, ठीक है। ये अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या प्लस करना है, इसके बाद हमको प्लस करना है नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है, ये चीज़। तो फ्लोर कितने हैं हमारा, देखिए ये हमारा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर का ही है, तो नंबर ऑफ फ्लोर हमारा एक ही आ रहा है, और एक कितना mm का फ्लोर है, 3 मीटर का है, तो यहाँ पर हमने 3000 mm लिख दिया, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये भी कैलकुलेट हो गया ना। अब इसमें हम प्लस करेंगे ये पैरापिट, तो पैरापिट कितने का है, पैरापिट हमारा 500 mm का है, तो हमने प्लस किया 500 और प्लस किया 50। अब ये 50 क्या है, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो हमारा कुछ फुटिंग से स्टील ऐसे बैंड हुआ है, फिर टॉप पे गया है, और फिर टॉप पे जाने के बाद ऐसा कुछ बैंड हुआ है, ये तो ये कितना है हमारा 50। ये आपके ड्राइंग के केस में अलग हो सकता है, या फिर आपके बिल्डिंग में अगर पैरापिट वॉल नहीं है तो ये जो स्टील है ना वो आपका यहाँ पर आके ऐसे बैंड होगा, ये ऐसा कुछ आके ऐसे बैंड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी होगा उस चीज़ को हम ऐड करेंगे अगर हमारा पैरापिट वॉल की तरफ कॉलम नहीं जा रहा है। तो एक तो हमारा फुटिंग से जब ऊपर को स्टील गया तो एक बैंड यहाँ आया, दूसरा जब हम पैरापिट की तरफ जा रहे थे, पैरापिट की तरफ ये जो बैंड हो रहा है तो यहाँ पर एक बैंड आया, ठीक है। ये चीज़ हमको माइनस करनी है, तो हमारा कितने डिग्री का बैंड है, तो हमारा 90 डिग्री का बैंड है, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। तो 90 डिग्री बैंड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2D होता है। आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं, अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो आप ये काम कर सकते हैं। अब आप लोग में से बहुत लोग पूछेंगे कि लैपिंग लेंथ मैंने क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब लैपिंग लेंथ क्यों नहीं लिया, इसके बारे में अभी डिस्कस कर दूँ और लास्ट में भी बताता हूँ। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि कॉलम कॉलम का जो स्टील होता है वो कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्ट आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, मतलब कि फुटिंग का डेप्थ और ये 1.7 कितना आता है, ये आता है हमारा 2 मीटर। उसके बाद अगर आप प्लिंथ बीम को भी ऐड करते हो तो कितना आता है, 2.3। ये जो नीचे का बैंड आ रहा है एल, ठीक है, इस एल की बात कर रहा हूँ, तो ये एल भी अगर प्लस करोगे तो ये भी होता है 300, तो कितना हो गया हमारा, 2.6 हो गया, ठीक है। अब 2.6 होने के बाद, और आपको जैसा कि पता है कि जो कॉलम का लैपिंग जोन होता है वो कहीं यहाँ सेंटर में आता है, तो ये 3 मीटर है, तो कितना आया हमारा, 1.5 अप्रॉक्स हमने पकड़ लिया। तो हमारा यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना आया था, यहाँ तक का टोटल लेंथ आया था 2.6, राइट। अब 2.6 में 1.5 अगर आप ऐड करोगे तो अप्रॉक्स हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर पर हमारा क्या आ रहा है, एक लैप आ रहा है। यहाँ पर हम 12 मीटर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉलम जो है वर्टिकल मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, तो यहाँ पर हम एक साथ 12 मीटर का स्टील नहीं खड़ा कर सकते। बीम के केस में अलग होता है, ठीक है, लेकिन कॉलम हम क्या करते हैं, 4 मीटर या 5 मीटर का ही स्टील काटते हैं, अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन डेप्थ या फिर बिल्डिंग का टाइप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज हम यहाँ पर करते हैं 5 मीटर का, तो यहाँ पर अगर हम 5 मीटर का स्टील काटते हैं और बिल्डिंग की हाइट हमारी जाती है सपोज 10 मीटर, यहाँ पर हमारा लैप कितना है, एक आया, तो हम वो लैप यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे, अब ये यहाँ पर लैप हम प्लस करेंगे, अब क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लैपिंग आ रहा है, ठीक है। आप एक साथ 12 मीटर का सरिया तो खड़ा कर नहीं सकते हैं, भले आपकी बिल्डिंग 10 मीटर हो, 13 मीटर हो या 12 मीटर हो, आप एक साथ कर नहीं सकते। तो उसका जब आप PBS बनाओगे तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि हमने यहाँ पर लैप दिया। अब लैप क्यों दिया, क्योंकि सबको पता है कि आप 7-8 मीटर तक तो स्टील खड़ा कर सकते हो, लेकिन 12 मीटर तक एक साथ कॉलम का स्टील खड़ा नहीं कर सकते, वो बैंड हो जाएगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लैपिंग लेंथ को अभी नहीं ले रहा हूँ, ये हम लैपिंग लेंथ लेंगे जो हमारा लास्ट में, जो हमारा कटिंग लेंथ आएगा फाइनल, उसमें हम देखेंगे कि लैपिंग लेंथ क्या देने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो वो चीज़ हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया तो इतना कुछ आया, फिर ये चीज़ मैंने प्लस कर दिया तो ये 2000 आ गया,
ठीक है, बीम को हमने कैलकुलेट किया तो बीम यहाँ पर आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर, तो नंबर ऑफ फ्लोर हमारे एक ही है तो 3 मीटर का आया। यहाँ पर हमने पैरापिट का लिया तो पैरापिट का हमारा आ गया 550, और ये जो बैंड माइनस कर रहे थे ये हमारा आ गया 48। अब इतना माइनस करना है, अब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो कटिंग लेंथ आया एक बार का वो कितना आया, 6328 mm, मतलब कि 6.33 मीटर। अब बात करते हैं लैपिंग लेंथ की। तो सपोज कि अगर आपका टोटल कॉलम जा रहा है तो आप 6.33 अगर खड़ा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं खड़ा कर सकते हैं, अगर सपोज आपको यहाँ पर लैपिंग लेंथ देने की जरूरत ही पड़ रही है कि नहीं यार हम 4 मीटर का स्टील काटते हैं, क्योंकि अगर 6.5 मीटर का अगर आप स्टील काटोगे तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचेगा, तो 5.5 मीटर आप कैसे यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ के लिए हमने क्या किया, 4-4 मीटर की स्टील काटें, ठीक है, क्योंकि एक स्टील हमारा 12 मीटर का है तो एक स्टील में हम 3 सरिया काट लें, हमारा स्टील वेस्टेज ना हो, इसलिए हम इसको इक्वली डिवाइड करके काटेंगे, या फिर जो भी आपका लग रहा है साइट के अकॉर्डिंग सिचुएशन उसके हिसाब से करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारा 5 मीटर पर लैपिंग आया, ठीक है, सपोज 5 मीटर पर लैपिंग आया, 1.3 मीटर का जो हमारा एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है उसके लिए तो लैपिंग देना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 5 मीटर का स्टील, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लैप दिया कितना अपना पूरा, तो ये जो लैपिंग लेंथ है ये डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर नोट्स, स्ट्रक्चर नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सपोज वहाँ पर मिनिमम लिखा है 50D, तो 50D का मतलब होता है डाया ऑफ बार का 50 टाइम्स, यहाँ पर डाया ऑफ बार कितना है हमारा 12, ठीक है, तो उसका 50 टाइम कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 600। तो ये जो ओवरऑल आपका जो स्टील का, ये जो ओवरऑल आपके स्टील का कटिंग लेंथ आया उसमें हम 600 mm प्लस करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 7 मीटर, राइट, ठीक है, अंडरस्टैंड, ये थोड़ा मैं रफली कर रहा हूँ। अब 7 मीटर आ गया, अब एक कॉलम आपके कितने बार हैं, 6 बार हैं, तो ये हमारा 6 बार हमने किया। अब इसको जब इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद हमारा कितना आएगा, इंटू करने के बाद हमारा आएगा कुछ 42 मीटर का, मतलब कि एक कॉलम में कितना मीटर का स्टील लगेगा, 42 मीटर का स्टील लगेगा। इससे आप नंबर ऑफ कॉलम, आपके जो सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस बिल्डिंग में आपका सरिये का टोटल लेंथ निकल जाएगा। अब जितना भी लेंथ आया मीटर में आप उसका वेट निकाल सकते हो, आप किसी को बता सकते हो कि आपकी इस बिल्डिंग में कॉलम में ही इतने केजी का स्टील लगेगा। अब बात करते हैं रिंग की। तो रिंग के लिए देखिए मैं इसके बारे में वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ रिंग कैलकुलेट करने का, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लें, जिसमें आपको क्या करना है, आपको जस्ट कॉलम की साइज, उसका कवर, डाया ऑफ बार, उसमें बैंड कितने आ रही, ये चीज़ आपको जस्ट पुट करनी है। तो जस्ट यहाँ पर आपने पुट कर दिया और आपका जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया कि 7.44 मीटर का आया आपका कॉलम का रिंग, ठीक है, उसका कटिंग लेंथ। और आप लोग को चाहिए तो इसका मैं एक्सेल शीट भी बना दूंगा, जिससे आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको वहाँ पर अपने बिल्डिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, या कि गिवन डाटा जो आप देख रहे हैं ये गिवन डाटा जस्ट पुट कर दीजिए, आपका वो कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर देगा। इस तरह के एक्सेल शीट में बना सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो ऐसी एक्सेल शीट में बना दूंगा, और बनाने के बाद इस एक्सेल शीट को भी मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं बीम का बीवेस निकालना बताऊंगा कि बीम का बीवेस कैसे निकालेंगे, बीम के लिए कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बीम का कैलकुलेशन करने के लिए हम एक्सेल शीट का भी यूज़ करेंगे, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट आपको बीम का बीवीएस के बारे में बताऊं या उसके बारे में वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।